हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाजार स्टाइल रिटेल कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है और आज के इस वीडियो में इस आईपीओ का हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना, यानी पैसा नहीं लगाना। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आईपीओ एज अ लिस्टिंग हमें कुछ प्रॉफिट बना के देगा या फिर नहीं देगा, और देगा तो कितना देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी इस आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना या फिर अवॉइड। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है। ये कंपनी क्लॉथ्स बेचने का काम करती है और सभी के लिए, चाहे मैन हो, वीमेन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो या फिर इन्फेंट्स हो। इसके अलावा जो अपने घर में और भी क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, कर्टन्स यानी पर्दे हो गए, सोफा कवर हो गया, ये सब भी बेचने का काम करते हैं अपने डिफरेंट आउटलेट के जरिए। अगर हम कुछ और डिटेल्स के ऊपर फोकस करें तो इस कंपनी का जो मेनली प्रेजेंस है वो है आपका वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। यहाँ पे ये डोमिनेट कर रही है और यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर भी है। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे स्टेट्स में प्रेजेंस है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आता है असम, बिहार एंड झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन सब स्टेट में प्रेजेंस है और इसका ओवरऑल एज ऑन 31st December 2023 153 लोकेशंस में प्रेजेंस है, जिसमें मैक्सिमम आपका ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में ही है। यानी इस तरह के बिजनेस मॉडल पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले कंपनी को अपना एक कोर एरिया सेलेक्ट करना होता, जो कि इस कंपनी ने बखूबी किया है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में अपना प्रेजेंस बना लिया, यानी दबदबा बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना प्रेजेंस और कई सारे स्टेट्स में बढ़ा रही है। तो ओवरऑल अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ठीक ठाक सा बिजनेस मॉडल है, लेकिन सिर्फ इसके बदौलत हम कुछ डिसीजन तो नहीं लेंगे, तो हमें कुछ और डिटेल्स देखना होगा। तो उसके बाद हम आईपीओ टाइमलाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेट आपको ध्यान रखना है, ये जो आईपीओ ओपन होगा 30 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 3rd of September को क्लोज होगा, यानी अच्छा खासा टाइम मिलेगा और इसी टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना होगा। 4th September को पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिलता है तो 5th September को रिफंड आ जाएगा और लिस्टिंग डेट है आपका 6th September को, यानी इस दिन आपको वाकई पता चल जाएगा ये आईपीओ कितना प्रॉफिट देगा। लेकिन हम आज के इस वीडियो में एक अनुमान लगा के बताएंगे कि आईपीओ कितना प्रॉफिट दे सकता है एज अ लिस्टिंग गेन्स। कुछ और आईपीओ डिटेल्स के ऊपर फोकस करें तो प्राइस बैंड है इसका 370 से 389, तो लोअर प्राइस बैंड तो भूल ही जाइए, अपर प्राइस बैंड ध्यान रखना है 389 का। लॉट साइज है आपका 38 शेयर्स का, यानी यहाँ पे अगर आप सिंगल लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो मिनिमम कैपिटल जो चाहिए होगा वो है आपका 14,782 रुपीज का। इशू साइज की बात करें तो 834 करोड़ का इशू साइज है, 834.68 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ 148 करोड़ ही फ्रेश इशू है, यानी 148 करोड़ ही कंपनी के पास जाने वाला है, बाकी 686.68 करोड़ जो लोग अपना शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाने वाला है। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स लिस्ट में काफी दिग्गज नाम भी है, तो क्या वो लोग भी अपना शेयर्स बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं ये भी हमें पता करना होगा। ये पता कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे फाइनेंशियल्स में। इस कंपनी का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ओएफएस है, तो कौन कौन लोग शेयर्स बेच रहे हैं उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा शेयर्स बेच रहे हैं वो है रेखा राकेश झुंझुनवाला, जो कि राकेश झुंझुनवाला के वाइफ है और आपको ये पता होगा। तो सबसे ज्यादा यही बेच रहे हैं, 27.23 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। ये अमाउंट नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, इतना शेयर्स बेच रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता आपका इंटेंसिव ग्रुप, जिसके पास शेयर्स था, जिसमें से इंटेंसिव सॉफ्ट शेयर 22.8 लाख शेयर्स बेच रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटेंसिव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 14.87 लाख शेयर्स बेच रही है। और ये ध्यान देना है कि कोई भी लोग कंप्लीट सेल ऑफ नहीं कर रहे, अपना कुछ पोर्शन रख रहे हैं और कुछ पोर्शन यहाँ पे बेचने का काम कर रहे हैं, यानी कोई भी कंप्लीट सेल ऑफ करके नहीं जा रहा, कुछ पोर्शन अपना बेच रहे हैं, लेकिन ये सब लोग अच्छा खासा पोर्शन अपना बेचे हैं। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो कंप्लीट फाइनेंशियल्स तो नहीं मिल पाया, लेकिन काफी मेहनत करके खोजा, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, बाकी FY24 का तो कंप्लीट डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा रेवेन्यू की। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं रेवेन्यू आपका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, FY22 में 551 करोड़ पे था और FY23 में 787 करोड़ पे पहुंचा है और FY24 में 982 करोड़ पहुंचा, यानी कंसिस्टेंट अच्छे पेस के साथ ग्रो किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो FY22 में ये 8 करोड़ के लॉस में था, उसके बाद
8 करोड़ के लॉस से FY23 में ये 5 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचा है, और इसके बाद 5 करोड़ के प्रॉफिट से लगभग 22 करोड़ के प्रॉफिट में FY24 में पहुंच गया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छे पेस के साथ ग्रो कर रहा है, यानी फाइनेंशियल्स को आप ठीक ठाक बोल सकते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के एंगल से देखें तो। बाकी कोई भी डेटा अवेलेबल है नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते, और टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखें तो 178 करोड़ करीब है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस से कम है, यानी टोटल बोरोइंग्स आपका कम भी नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, और आईपीओ से जो 148 करोड़ का पैसा आ रहा कंपनी के पास उसमें से अच्छा खासा पोर्शन टोटल बोरोइंग्स को कम करने में जाएगा, यानी जो कर्ज है उस कर्ज को कम करने में जाएगा, जिससे बेनिफिट होगा कि कर्ज तो कम हो ही जाएगा, साथ ही साथ उस कर्ज पे इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, और एज अ रिजल्ट जो प्रॉफिट है वो आपका आने वाले फाइनेंस ईयर में और इम्प्रूव और बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल तो ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, आप अच्छा ही बोल सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ओएफएस है तो वैल्यूएशंस को ज्यादा गौर से देखना होगा। बात करते हैं वैल्यूएशन बेस्ड ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10% करीब है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक क्या है, बिलो एवरेज है। ROCE की बात करें तो 18% करीब है, इसको ठीक ठाक माना जाएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.76 है, लेकिन आईपीओ आने के बाद कर्ज कम होगा तो इसको आप ठीक ठाक कैटेगरी में ले सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% करीब है, इसको भी आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.78 टाइम्स लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके पीयर्स से कंपेरिजन करेंगे तब जाके आइडिया मिलेगा कि वाकई हायर साइड पे है या नहीं है, तो अभी इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। बाकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, क्योंकि सस्ते कपड़े ये लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम ही रहता है पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो। अब हम इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इसके पीयर्स में कौन कौन है, वी मार्ट जो कि काफी दिग्गज है, और वी टू रिटेल, ये दो कंपनी है जो कि इसके पीयर्स के लिस्ट में आती है। तो सबसे पहले प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देख लें तो ये 13 टाइम्स के करीब आ रहा है, और जबकि वी टू रिटेल की बात करें तो ये आपका 15 टाइम्स करीब आ रहा है, और वी मार्ट की बात करें तो ये लगभग आपका 10 टाइम्स के करीब आ रहा है, और वी मार्ट आपका लॉस में है, तो ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक, यानी ये आईपीओ सस्ता नहीं है, लेकिन इस आईपीओ को आप महंगा भी नहीं बोल सकते, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशंस दिया गया है, और इतना तो क्लियर हो गया कि आईपीओ कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेंस जरूर देगा, कितना देगा बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उसके बाद पीई की बात करें तो पीई वाइज भी ठीक ठाक है, यानी किसी भी एंगल से ये आईपीओ हमें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आईपीओ सस्ता भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो 3 करीब है, ये आपका थोड़ा सा लोअर साइड के करीब है, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं है मतलब लोअर साइड पे है। बाकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर हम वी मार्ट से या वी टू रिटेल से कंपेयर करें तो रेवेन्यू और मार्केट कैप कम है, लेकिन प्रॉफिट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वी मार्ट तो आपका लॉस में ही है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है, और अपने कंपटीटर से अच्छा खासा कंपीट कर रहा है, और धीरे धीरे अपना प्रेजेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा एज अ लिस्टिंग गेंस, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखना तो बनता ही। अगर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स के ऊपर फोकस करें तो ये कंपनी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है, जैसा कि आपको पता ही है वी मार्ट हो या वी टू रिटेल हो, सब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है, और इस फील्ड में जिसके कारण से कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जैसे रिसेशन आ गया या महंगाई आ गया तो सब ज़्यादा इम्पैक्ट इसी सेक्टर पे पड़ता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन इतने ज़्यादा मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्रेजेंस काफ़ी लिमिटेड है, अभी भी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं ला पाया है, जिस तरीके से वी मार्ट या वी टू रिटेल फेमस है वैसे ये कंपनी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो अब हम आ गए फाइनली उस पेज पे जिसका आप सभी लोगों को इंतजार रहता है, तो चलिए देखते हैं। ग्रे मार्केट में इसका डिमांड है और ये 141 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एज ऑन 27 अगस्त 2024। लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रे मार्केट में डेली चेंजेस होता है, कभी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए आप डेली जरूर चेक कीजिएगा। गूगल पे आईपीओ का नेम टाइप कीजिए, उसके बाद जीएमपी टाइप कीजिए, और फिर आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट पे। यहाँ पे लॉट साइज अपर प्राइस बैंड फंड देख सकते हैं, जिससे प्रॉफिट कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। बाकी किस प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है, तो एज ऑन 27 अगस्त ये आपका 530 रुपये के प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वर्स्ट केस में ही बात करें तो ये 380 से नीचे लिस्ट नहीं होने वाला है, और 380 से लेके अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 600 करीब ये लिस्ट हो सकता है, यानी इसमें नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस तो हैं, लेकिन उस नेगेटिव लिस्टिंग कारण से बहुत कम लॉस होगा आपको। और किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है,
वो है आपका 5,358 के करीब, यानी 36% करीब आपको ये प्रॉफिट दे सकता है एज ए लिस्टिंग एज। और इसमें अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको 300 से 400 करीब लॉस हो सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन यहाँ पे आपको 6,000 तक का प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। तो अब इस आईपीओ में रिस्क ना के बराबर है, तो इस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि इस आईपीओ में क्या करना है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।